सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका MRM लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एकदम नए टॉपिक को लेकर। ये टॉपिक है टेलीकॉम कंपनीज से संबंधित। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका लगा है एक पुराने बकाया धनराशि के भुगतान को लेकर। 2019 के आसपास सरकार के दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ टेलीकॉम बड़ी कंपनीज पर जो बकाया का डिमांड करी थी और ये कहा था कि समय रहते वह उसे जमा करें, जिसको लेकर तब भी मैटर कोर्ट में गया था और कोर्ट ने तब फैसला ये सुनाया था कि ये बीते आने वाले कुछ महीनों में जमा कर दिया जाए। अब ये क्या मैटर था और कौन सा बकाये की बात हो रही ये हम देखते हैं। 2019 में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने वोडाफोन, एयरटेल और अन्य कंपनियों को बकाया कौन सा होता है, ये स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेते हैं और तमाम जो गवर्नमेंट से सर्विस लेते हैं उसका ये बकाया होता है, टैक्स के रूप में, फीस के रूप में वगैरह वगैरह। तो वोडाफोन पे लगभग 58,000 का बकाया कैलकुलेट करा था डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन ने, जिसे काउंटर करा वोडाफोन ने कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारे पे बकाया लगभग 43,000 आना चाहिए। और ये हालत आपकी एयरटेल की थी। एयरटेल ने बोला कि जो हम पे बकाया की बात कर रहा है डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन दूर संचार विभाग, वो आपका लगभग 21,000 का है, जो कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो बैठना चाहिए 13,000 करोड़। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई 50,000 या 21,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 21,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, है ना, 58,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। तो टेलीकॉम कंपनीज का ये मानना है कि जो बकाया की गणना करी गई है दूरसंचार विभाग के द्वारा, वो गलत कैलकुलेशन, गलत मैथमेटिक्स से करी है। इतना है नहीं जितना उनको बताया जा रहा है। अब AGR दूरसंचार कंपनियों और AGR, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात होती है। AGR मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। आगे बढ़ते हुए, और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ही आपका एक वो आधार है जो कि सरकार और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में सब ट्रांजैक्शंस वगैरह और कितना अर्निंग कर रही है सैटेलाइट सर्विसेज लेकर सरकार से, इसकी तय करा जाता है। अब इसका उपयोग लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए भी किया जाता है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्विस सैटेलाइट और स्पेक्ट्रम से मिल रही हैं इन टेलीकॉम कंपनीज को। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो अब इस फैसले जो कि 19 में आया था, ये कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी ये कहा था कि अपना बकाया जो पड़ रहा है कंपनीज के ऊपर वो समय रहते दे दें। अब फिर से ये टेलीकॉम कंपनीज वोडाफोन और एयरटेल पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, पुनर्विचार याचिका दायर करी गई। और पुनर्विचार याचिका में उनकी ये उम्मीद थी कि जो उन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराए हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसके आधार पर जो बकाया की राशि है वो एक और बार एडजस्ट करी जाएगी या फिर रीनेगोशिएट करी जाएगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा टेलीकॉम कंपनीज को ये कह दिया कि समय रहते अपना बकाया आप जमा कर दीजिए, अब ऐसी याचिकाओं का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि जो बात पहले की कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बात अभी भी अड़िग रहेगी। अब फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें AGR एंड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात करी गई है। अब AGR की राशि इन कंपनीज को भारी पड़ने वाली है, जो स्पेक्ट्रम और लाइसेंस वगैरह लेती हैं इसका जो पेमेंट है ये। अब वैसे भी बीते साल में दोनों कंपनी ने कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखाई है। वी तो ऑलरेडी अपना बहुत लंबे समय से डेब्ट बर्डन पे चल रहा है लोन्स के, ऐसे मौके पे इतना बड़ा झटका बहुत बड़ी नुकसान देने वाला है दोनों टेलीकॉम कंपनीज को। अब इस आदेश के बाद से वोडाफोन और एयरटेल की अगर हम बात करें तो शेयर्स में बेतहाशा घाटा हो रहा है बाज़ार में लोगों को, जो कि असर पड़ता ही है ऐसे बड़े फैसलों का, घाटा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनियों ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार ने गलत तरीके से ज़्यादा बकाया राशि की गणना की है, जो कि अभी भी कंपनी अड़े हैं। अब कंपनियों का कहना है कि वोडाफोन पे और एयरटेल पे इतना डबल बकाया जो कैलकुलेट करा गया है तमाम तरीके से, ये बिल्कुल गलत है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे मोहर लगा दी है, तो अब इस पे कोई ना कोई तो नया रास्ता निकालने का प्रयास कंपनियां करेंगी, मगर अब मुश्किल ही है। तो इसमें फिलहाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिलने के कारण अब शायद वोडाफोन और एयरटेल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से
के आधार पर दूरसंचार विभाग को अपना बकाया देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ।